रोड लखपत जेल के बाहर इस वक्त नून लीग के जो प्रोटेस्टर्स हैं और जो इस फैसले के बाद आज खुशी मना रहे हैं, उनसे हम गुफ्तगू भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज उनके जज्बात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, मियां साहब को जमानत पर रिहाई मिली है इंशाल्लाह ताला। 6 हफ्ते के लिए अभी वो सुकून से अपना इलाज कराएंगे। सबसे पहले सेहत ज़रूरी है मियां साहब की, क्योंकि मुल्क को उनकी बहुत ज़रूरत है इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग कहते हैं जो आपकी मुखालिफ पार्टियों के हैं, वो कहते हैं कि ये बाहर जाना चाह रहे थे। नहीं, वो इलाज कराना चाह रहे हैं, बाहर जाना नहीं चाह रहे वो। अगर बाहर जाना होता तो वो अपनी बीवी को बिस्तरे मरक पे छोड़ के बेटी के साथ, उन्हें पता था जेल सीधा सामने जेल है, वो आए वापस। और हमें ये ऐसे ही वो जेलस की वजह से, हसद की वजह से बातें करते हैं। हसद की वजह से कह रहे हैं, हसद की वजह से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। और निसर रहमान साहब जी हमारे साथ हैं। राव साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपके जज्बात हैं आज मियाँ साहब की जो जमानत पर रिहाई है 6 हफ्तों के लिए, क्या आपके जज्बात हैं? आवाम के अंदर मियाँ साहब का कद जो है वो बढ़ गया है। मैं कहता हूँ कि सर नगू है तेरे आगे, तेरे तमाम हरीफ खुदा नवाज रहा है तुझे है नवाज शरीफ। और जब भी मियाँ साहब के ऊपर कोई मुश्किल टाइम आया है तो मेरे रब ने उन्हें कभी मदीना में, कभी मक्का में, और आज आवाम में। आप कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को जो है बाहर चले जाएंगे, वो बाहर से पाकिस्तान आए थे और जेल के लिए आए थे, और आज भी वो कहते हैं मैं जेल में रहना, किसी अस्पताल में जो है वो नहीं करना। तो मियाँ हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। एक दफा तो यहाँ से गए भी थे पाकिस्तान, वो एक वो जिन्होंने भेजा था वो आपको पता है, जिन्होंने भेजा था जबरदस्ती भेजा गया था, वो खुद खुशी से नहीं गए थे। और दूसरा ये है कि हर पाकिस्तानी का जो है वो एक बीमार आदमी का, एक हार्ट के पेशेंट का, एक शुगर और बीपी के पेशेंट का हक है कि वो जहाँ से पहले इलाज करवाता है वहाँ से वो इलाज करवाए। और ये जो है भागने वाले नहीं है, इंशाल्लाह ताला हमेशा मियां नवाज शरीफ आवाम के दिलों में रहे हैं, अब भी इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मुझे स्ट्रेटजी पूछनी है नून लीग की, क्योंकि बहुत अरसे से कोई तकरीबन 6-7 महीने से नून लीग की कोई स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही। उसकी बड़ी वजह है कि मियां साहबान जो हैं वो मुकदमात में भी उलझे हुए, जेलें भी फेस कर रहे हैं, साथ आपकी जो दूसरी पार्टी है जो इस वक्त इक्तदार की पार्टी है उसने इंटरनेशनल अपना इमेज भी बेहतर किया है, इंडिया के साथ मसाइल में भी उसने काफ़ी ज़्यादा बेहतरी लाई, लोग तो उनके गुण गाते हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो क्या इस पे वो ड्रामेबाजी थी, वो क्या था? पायलट वापस भेज दिया क्यों दिया? ये महंगाई हुई जीत है, क्या जीत है? पायलट तो नवाज शरीफ के दौर में भी वापस गया था। कैसे कैसे गया था आपको याद होगा? जो हमारे असल में मियां मियां जो हमारे कहती है वहाँ पे, हम खुद जमानते भी हर्ज करा के आए हैं अपने जो नजायज हम पे जमानते कर। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो मोटरवे बनाया, असल में इंडिया जो डरा है जब त्यारे मोटरवे पर उतरे हैं रनवे बन गया, तो इंडिया परेशान हो गया कि पाकिस्तान में हर जगह जहाज के अड्डे हैं। अगर मोदी हमसे आंखें नहीं मिला रहा तो ये मेरे कायद मियां नवाज शरीफ की मेहरबानी है। उन्होंने आवाम को एटमी ताकत बनाया, उन्होंने आवाम को एटमी ताकत बनाकर उन्होंने तो इमेज को बेटर करने के लिए भी बड़ी काविशें की। तो आपकी पॉलिसी पार्टी क्या सोच रही है, क्या कर रही है और क्या होने वाला है, कोई कुछ समझ आ रही है आपको? मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को बनाया है और इंशाल्लाह ताला आगे जो हालात, एन लीग ने नहीं बनाया भाईजान, नवाज लीग ने नहीं बनाया, मुस्लिम लीग ने बनाया, और वही मुस्लिम लीग है। ये मुस्लिम लीग नवाज है, पीटीआई ने नहीं बनाया, मुस्लिम लीग ने बनाया। मैंने बोले हैं नवाज शरीफ जो झंडा लेके है ना मुस्लिम लीग का, वो लेके चले। महंगाई को देखें, निजाम देखें, निजाम क्या हो रहा है? ये शेख रशीद कहता था कि ये जेल नहीं काट सकते, जब बेनजीर के बारे में उसने गलत अल्फाज बोले तो उसने अंदर कर दिया, तो आप जैसे लोगों के तरले करता था, आसमान जगीर ने खीर उसको छुड़वाया, 15 दिन में वो बहुत बढ़ गया था। ये महंगाई देखें, ये निजाम देखें, हमारे जैसे हमें उसने वजीर आला दिया है, ये पंजाब के साथ दुश्मनी है, ऐसा वजीर आला देना पंजाब के साथ दुश्मनी है कि तरक्की आदि काम रुक जाए। ये हमारा पंजाब एक पेरिस बन जाना था, ये सिर्फ उसको वजीर आला बना दिया है जिसको बोलना ही नहीं आता, उसे अच्छे तो आप बोल लेते हैं, इनको बना दिया जाए। शेख रशीद जो कह रहे हैं और नई पुरानी जो ट्रेनें हैं उन पर नए लेबर लगाकर, पुरानी में नया जो है वो लगाकर जो है वो कहते हैं मैं नई ट्रेन चला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। और ये इमरान खान ने एक लिस्ट बनाई हुई है मुस्लिम लीग के अपोजिशन के जो लोग हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, एक लिस्ट बनाई हुई है।
और ताकि कोई उसके मुकाबले में ना हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये पाकिस्तान जमहूरियत के नाम पर बना था, कलमे के नाम पर बना था, और इसकी हिफाजत मेरे रब ने करनी है। और जो कायद है, जो इस मुल्क का बानी है, जो इस पाकिस्तान को लेके आगे चलाने वाला है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। जो जंगी जहाज इस्तेमाल हुए हैं, FJ-17 थंडर जो इस्तेमाल हैं, वो भी नवाज शरीफ इधर, वो पहले उन्होंने टेक्नोलॉजी पहले उन्होंने बात की, फिर टेक्नोलॉजी इधर लगाई, अभी इधर ही वो बन रहे हैं। तो वैसे भी जितने, हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है कि ये मुस्लिम लीग को सारी जेलों में भरती है, पकड़ पकड़ के इनको सजाएं देती है, इनको किस लिए सजाएं देती है कि हक के साथ चलते हैं। ये हक के हुकूमत थोड़ी नैब पकड़ रही है, नैब नहीं पकड़ रही, हुकूमत पकड़ रही है। ये जो हुकूमत का जो आर्डर है, नैब वो फॉलो कर रही है। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, हुकूमत से क्या ताल्लुक है? सर देखे तो सही, हमारे इलेक्शन से एक माह पहले हमारे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, नैब उठा रही है। शेख रशीद खुद कह रहा है कि ये लोग पकड़े जाएंगे, 50 लोगों की जो लिस्ट दे रही है, वो कौन सा नैब का तारा जो दे रहा है? ये डोंकी राजा वाले, इन्होंने लिस्ट दी है इनको 50 लोगों की। पहले इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इन्होंने अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो मेरे कायदे ने 5 नहीं 20 साल इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए दिन रात एक किया है। पिछली गवर्नमेंट को देख लें, बिजली नहीं आती थी, गैस नहीं आती थी, पेट्रोल बोतलों में मिलता था, और घी और हर किस्म की चीज, हर चीज महंगी गुम हो गई थी। कौन सी मियाँ साहब की हुकूमत को गिराने से लेके उनकी गिरफ्तारी तक, और अभी तक ये जो एक ड्रैकोनियन लॉ है नैब का, जिसको आपने साहब का नाम दे रहे हैं, ये सारी एक प्लांटेड स्टोरी है। तो ये हुकूमतों ने क्यों ना तब्दील किया? किसने? मियाँ साहब 3 दफा वज़ीर आज़म रहे, क्यों ना तब्दील करवाया इस लॉ को? अपनी गलती तस्लीम कर चुके हैं, नहीं कर सके, दोबारा मौका मिला तो जरूर करेंगे। ये तो इन्हीं का ही लॉ है ना। बात ये है कि है इन्हीं का बनाया कानून है, नहीं हमारा लॉ है। अगर अगर लॉ अगर लोग मुस्लिम लीग नून का है, अगर लोग मुस्लिम लीग नून का है, तो फिर वो हमारे ही खिलाफ क्यों है भाई? ये हमारा नहीं, ये मुशर्रफ के दौरे का है, और वही चला रहा है उसको। आज तक मुशर्रफ को सजा नहीं हुई, मुशर्रफ को कोई सजा हुई आज तक? मुशर्रफ को किसने बाहर भेजा? मुशर्रफ को हमने तो नहीं बाहर भेजा, बताएं मुशर्रफ साहब को बाहर किसने भेजा? राव साहब आप बड़े आदमी है, बताएं इनको, बताएं किन्होंने भेजा? आपके वजीर आजम उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ थे वाले थे, उन्हें आपको पता है कौन भेजने वाले थे? आपकी हुकूमत ने भेजा, और किन की हिफाजत कमाल इमरान उन्होंने भेजा था जनरल मुशर्रफ को बाहर, जो अब इमरान खान को लाए हैं। सीटें हमने जीती, इलेक्शन हमारा चोरी हुआ, किसने किया? हमारे मिनिस्टरों को, हमारे वजीरों को किसने अंदर किया? हमने तो वोट ही 8-6 हफ्तों की ये मियां साहब को रिलीज किया गया है। आप देखें ये किस तरह ये जम्मे गफीर, ये कौम को अंधेरों में से निकालने वाला 3 दफा मुंतब वजीर आजम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, इस मुल्क को सी पैक, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने इसको जेलों की सलाखों पीछे डाला। मगर इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में यही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ये मसीहा है इस कौम का, और इसको अंधेरों में से निकालेगा इंशाल्लाह। दोबारा यह मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। कहते हैं मुशर्रफ को बाहर हमने नहीं भेजा जी, मैं यार एक मिनट जवाब कर दे जिन्हें आप लोगों ने भेजा है, आप लोगों ने भेजा आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं जिसने भेजा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, मैं कैसे जानता हूँ? आप हमसे ज्यादा जानते हैं। चौधरी निसार आपके वज़ीर दाखला थे। गुजारिश ये है कि इस मुल्क में जो काम करता है फांसी चढ़ता है, जेल जाता है, जिला वतन होता है, हाई जाकर बनता है। सवाल ले ले, सवाल ये है, सवाल ये है, एक मिनट, सवाल ये है मेरा, बोले बोले, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि चोरी निसार आपके वजीर दाखला थे, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, आप कहते हैं किसी और ने मुशर्रफ को बाहर भेज दिया? टीपू सुल्तान के दौरे हुकूमत में मुशर्रफ को बाहर उसने भेजा है जिसने मियां नवाज शरीफ को अंदर किया है। उन लोगों ने मियां मुशर्रफ को बाहर भेजा था। मैं आपका जवाब देता हूँ। टीपू सुल्तान जिसे ये लेकर आए ना इमरान खान को, तो मुशर्रफ को भी उन लोगों ने भेजा, हमसे ज्यादा आप समझते हैं। इस कायद का इन्होंने तसाब किया, एक देले की करप्शन साबित नहीं कर सके,
अब उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जो इन कैद को जेल में फेंकते हैं। हमें यह समझ नहीं आ रही, हमने वोट तो नवाज शरीफ को डाला था, ये कहां से आ गया? वोट तो नवाज शरीफ का था, वोट नवाज शरीफ। इस मुल्क से अब ये खेल तमाशा खत्म होना चाहिए। जो जमहूरी लोग हैं, एक आम आदमी को पाकिस्तान पर हुकूमत करने का हक हासिल होना चाहिए। ये जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ स्टोरीज प्लांट करती रही हैं, और आप देखें लियाकत अली खान से लेके आज तक क्या तमाम वजीर आजम ही करप्शन करते थे। जो और इदारे इस मुल्क करप्शन कर रहे हैं उनके ऊपर भी जो है इस खलाई मखलूक को हाथ डालना चाहिए, ये दूध के धुले नहीं है। मैडम मुझे ये बताइए कि आज क्या आपके जज्बात हैं मियां साहब को जो 6 हफ्तों का रिलीफ मिला जमानत की वजह से? देखिए अल्लाह का बहुत शुक्र है कि PMLN की जो बयानियाँ उसको तस्लीम किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी 6 हफ्ते जो हैं वो बहुत कम हैं। मियाँ साहब की जो कंडीशन है अगर वो बेहतर नहीं होती तो क्या होएगा, हम दोबारा हाईकोर्ट से अपील करेंगे? जब मियाँ साहब खुद अपनी बेटी के साथ यहाँ आए और अपनी गिरफ्तारी दी तो आई थिंक उनको प्रॉपरली ये अलाउ कर देना चाहिए था कि वो जहाँ से भी अपना इलाज कराना चाहते हैं, बाहर के मुल्क से भी तो कराना चाहिए था। तो पर्सनली तौर पर मुझे लगता है कि ये हमारे पे कोई फेवर नहीं है, ये अभी भी एक नॉर्मल डिसीजन है। अच्छा, आपने देखा कि मियाँ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ऐसा ऐसा चीज़ें जो हैं वो नॉकआउट होने की तरफ चले गई, पैनामा पेपर्स आ गया और फिर इनको सुप्रीम कोर्ट के बेंच की जानिब से हुक्म के बाद ये घर बैठ गए। तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग आपकी पार्टी के अंदर सरगोशियाँ करते थे कि नून लीग की जानिब से बहुत सारे डिसीजन लेने में मिसमैनेज किया जाता है, शायद हालात को प्रॉपर समझा नहीं जा रहा कि हालात क्या चल रहे हैं। और फिर वो 13 जुलाई को वापस आए, आगे गिरफ्तारी दी, मरियम बीबी भी साथ थी, शहबाज शरीफ साहब भी अंदर है। अब भी आपके वर्कर्स जो हैं वो स्कैटर्ड हैं और मुंतशिर हैं, इसी तरह ही जिस तरह वो मुंतशिर थे कि पता ही नहीं था उस दिन के एयरपोर्ट जाना है कि नहीं जाना। तो दूसरी पार्टी अपना इमेज भी बहाल करती जा रही है, इंटरनेशनल इमेज भी बेहतर करती जा रही है ऐसा ऐसा, इंडिया को भी लोग कहते हैं कि उसने अच्छे तरीके से नॉकआउट किया है, तो स्ट्रेटजी कोई समझ नहीं आ रही, इसका क्या करेंगे? देखिए PMLN जो है वो बिल्कुल कॉन्फ्रेंटेशन पे बिलीव नहीं करती। देखिए हम रूल ऑफ लॉ और एक बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है। आपको जैसे पता है कि 23 मार्च को भी हमारे सारे लोग इकट्ठे होना चाह रहे थे, तो मियाँ साहब ने कहा कि हम बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। अनलाइक ऐसी जमातें जो 126 दिन का धरना दिया, पार्लियामेंट पर अटैक किया, PTP पर अटैक किया, और यहाँ तक कि चाइनीज प्रेसिडेंट जब आ रहे थे तो उनका भी विजिट जो है वो कैंसिल करा दिया। हमारा शायद पॉइंट यही है कि हम एक बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है और इसमें बिलीव करते हैं। सो आज भी आप देखें हमने किसी ने कॉल नहीं दी, और मरियम नवाज जो हैं साहिबा को बड़ा उन पर क्रिटिसाइज किया जाता है, ये नहीं समझा जाता कि वो एक बेटी है जो अपनी बाप की बीमारी के लिए शी इज़ कंसर्न्ड, तो उसको उस तरह देखना चाहिए, उनको एक सियासी लीडर की तरह नहीं देखना चाहिए, उनको इस टाइम पे एक बेटी देखनी चाहिए। जब कल्सूम नवाज साहिबा उनकी तबीयत खराब थी तब भी यही कहा जा रहा था कि ये झूठ है। आपके सियासी मुखालिफिन जितने भी हैं मैडम वो उनकी एक ही बात है बार बार, वो कहते हैं कि ये बाहर ही जाना चाहते थे, ये बाहर ही जाना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट के वाया चले एप्लीकेशन देखे। हंसी आ रही है इस बात पे कि जो आज कोर्ट का ऑर्डर भी आया उस पर भी लिखा है कि 6 हफ्तों के बाद मियाँ साहब अपने आप को सरेंडर करेंगे। हंसी की बात यह है कि सरेंडर करने की बात क्या आती है, हम लोगों ने कहीं बगावत की है या मियाँ साहब ने स्टेट के अगेंस्ट कोई बगावत की है? कोर्ट क्लैरिटी से नहीं ऑर्डर देता है कि जब मियाँ साहब एम्बिग्युइटी नहीं होती जब कोई ऑर्डर आता है, जब खुद देखे ना मैं और आप उसी ऑर्डर को लेकर इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर देते, हम कहते ये एक्सटेंडेबल है, हम कहते एक्सटेंडेबल नहीं है, तो लर्नर्ड बेंच जो है उसे पता होता है कि उसने क्लैरिटी के साथ फैसला देना है, फैसला हमेशा क्लैरिटी से होता है। जब मियाँ साहब अपनी बेटी के साथ खुद वापस आए हैं और अथॉरिटी जेल को हैंड ओवर किया है और सारे अदालत के फैसलों को रिस्पेक्ट किया है, तो मुझे समझ नहीं आता नहीं, वहां डिच हुए थे मियां साहब, डिच इस तरह हुए थे कि उनको गारंटी दी गई थी कि एयरपोर्ट पे लाखों लोग होंगे, एयरपोर्ट कोई बंदा नहीं पहुंचा, ये गारंटी थी। ये तो आपका आप पूछिएगा, पता कीजिएगा, प्रूव कीजिएगा। मुझे पता है कि मैं अबू धाबी से साथ आ रही थी और जब हम मैं पर्सनल विटनेस हूं क्योंकि मैं अबू धाबी से मियां साहब और मरियम बीबी के साथ वापस आ रही थी और बाहर सब रोड्स ब्लॉक थे, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, हमें 1 बजे तक वहां वेट करना। मियां साहब को पता था कि एक बंदा भी एयरपोर्ट नहीं आएगा? मियां साहब को तो आने नहीं उस तरह, तो वो तो उनपे तो अटैक कैसे हुआ? मेरा सवाल ये है कि मियां साहब आप साथ थी तो मियां साहब को पता था कि एक बंदा भी एयरपोर्ट नहीं पहुंचेगा? उनको बिल्कुल पता था कि सारी जो वहां जर्नलिस्ट जो जहाज में फ्लाई भी, क्या ये भी पता था कि उनके भाई छोटे जो है वो भी एयरपोर्ट
نہیں جائیں گے. مخالفین یہ شو کرنا چاہتی ہے کہ میاں شہباز شریف اور نواز شریف جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اور دونوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کٹھے ہیں, بالکل ہے. اور آج ہماری جو ہے وہ میاں شہباز شریف بھی ای سی ایل سے کٹھے ہیں, لیکن اسٹریٹجیز مختلف ہیں. اسٹریٹجیز دیکھیں, پرسنل ہر بندہ پرسنل ہے. اور آئی تھنک جو پارٹی ہے, ابھی آپ نے دیکھ بھی ہے لوگ کہ سب میاں نواز شریف نیریٹو کا فرق ہے. کافی نیریٹو سب کا فرق ہوتا ہے, پرسنل انڈیپینڈنٹ نیریٹو ہوتا ہے. میرا بھی باقی لوگوں سے فرق ہوتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو, جب پیک پہ آپ کی کمپین چل رہی تھی مجھے کیوں نکالا کی, تو تب بھی ترجمان پنجاب حکومت کبھی بھی شہباز شریف صاحب کی لائن لے کے تو یہی بات نہیں کرتا تھا, وہ کچھ اور بات ہی ہوتی تھی. تو اتنا فیس شفٹ تھا, اتنا ڈفرنس تھا. اور آپ کو پتہ ہے ماضی قریب کی ہم بات کر رہے ہیں. نہیں تو وہی بات ہے نا کہ میاں صاحب, میاں شہباز شریف کا اتنا سافٹ بیہیویئر بھی جو ہے وہ نہیں ہوا. ان کا بھی نام ای سی ایل پہ کیوں ڈالا؟ اب تو اکٹھے کنسیڈر ہوتے ہیں سارے, پی ایم بیہیویئر سافٹ ہو یا نہ ہو, یونائیٹڈ ہے. ہمارے پارٹی کارکن جو ہے وہ بالکل کانفرنٹیشن پالیٹکس میں نہیں کرتے, رول آف لا پہ بلیو کرتے اور پیس اور تحمل پہ بلیو. نیکسٹ لائحہ عمل کیا ہوگا؟ نیکسٹ انشاءاللہ لیٹس سی. ابھی تو میاں صاحب, تو ہماری لیڈرشپ واپس آئی ہے, ابھی تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. ازما بخاری صاحبہ جی, بڑی بولڈ اور ڈیرنگ خاتون ہے. السلام علیکم میڈم. آج تو آپ بڑی خوش ہوں گی. یقیناً. تو میڈم, کیا لاحق عمل ہے, کیا صورتحال ہے, اور پارٹی جو ہے اسے کوئی ڈائریکشن نہیں ملتی؟ بہت ساری جگہوں پہ پارٹی کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے. میں اگر آپ فرمائیں گے تو میں کنفیوژن کی مثالیں دینا شروع کر دوں گا. آپ کو خود بھی پتا ہے کہاں کہاں کنفیوژن ہے. تو یہ کیسے پارٹی کو ڈائریکشن دی جاتی ہے, اس کے برعکس دوسری پارٹی کا گراف انٹرنیشنل بھی اوپر جا رہا ہے, آپ کو تو پتا ہی ہے انڈیا والے معاملے میں. تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا آپ کا رسپونڈ ہے؟ میں آپ کی لاجک سے بالکل اگری نہیں کرتی. انٹرنیشنلی کیا لکھا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, اگر 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 آپ مجھے کہیں گے تو میں بھی آپ کو کوٹ کر دوں گی کہ مختلف انٹرنیشنل جرنلز اس کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان حکومت کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. تو میڈم, کون پھر کر رہا ہے اور کیسے چلے گا سلسلہ ذرا؟ اور میاں صاحب کا 6 ہفتے کا ریلیف پارٹی کے لیے ایک رمق ضرور ہے, ایک ہوا کا جھونکا ضرور ہے, لیکن آ جا کے تو دوبارہ جیل میں جائیں گے. اللہ انہیں صحت یاب کرے, وہ صحت کی وجہ سے آ رہے ہیں. 6 ہفتے بعد تو دوبارہ کورٹ نے کہا آج کہ انہیں واپس پروڈیوس ہونا پڑے گا. میں گزارش کرتی ہوں, یہ انٹرمنٹ ریلیف ہے. ہمارا جو مین فوکس ہے وہ 9 اپریل کی وہ اپیل کی ڈیٹ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. اور ہمیں, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ فیکٹس کے ساتھ اور قانون کی اگر صحیح انٹرپریٹیشن ہوئی, چونکہ میں خود وکیل ہوں, میں سمجھتی ہوں ثبوت کے حوالے سے اور جو لکھا گیا ہے ججمنٹ کے اندر, اس کے مطابق ایون فیلڈ ریفرنس جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں ضمانت, جی جو چل رہا ہے, جی بالکل, اپیل جو ہے اس کا فیصلے میں ہمیں بریت جو ہے وہ صحت کے گراؤنڈ پہ نا, جی ٹھیک. تو اپیل کی بریت جو ہے یقیناً وہ ہمارا پہلا مطمئن نظر ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جب قوم دیکھے گی کہ ثبوت کے ساتھ میاں صاحب کو جو ہے بازت بری کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ 9 اپریل کو آپ کو کوئی بڑی کامیابی ملنے والی ہے؟ 9 اپریل کو ایگزیکٹلی نہیں, کچھ دن لگ جائیں گے. ظاہر ہے اپیل میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, 3-4 ڈیٹس ہوتی ہیں. نیب نے اپنا جواب دینا ہے, ہمارے وکلا نے اپنا جواب دینا ہے. پھر یہ ہے کہ 4000 صفحات ہیں جس کے اوپر عدالت نے بھی دیکھنا ہے اور وکیلوں نے بھی جرا کرنی ہے. تو تھوڑا ٹائم ضرور لگ جائے گا, لیکن ان 6 ہفتوں کے اندر مجھے امید ہے کہ اپیل کا فیصلہ آ جائے گا. اور میڈم, نون لیگ نے پوری تاریخ ہے ایک مس مینجمنٹ کی, بہت ساری چیزیں مس مینج ہوئی ان سے, کوئی ڈیسیجن میکنگ میں کوئی کمیاں رہ گئیں. اب کیا سمجھتی ہیں آپ کہ ڈیسیجن میکنگ فول پروف ہاتھوں میں ہے, بہتری کی طرف جائے گا؟ کچھ نہیں ہوا. دیکھیے, ہم سب ورکرز ہیں, گراؤنڈ لیول کے ورکرز ہیں, اور ہماری سیاسی بصیرت میاں نواز شریف یا شہباز شریف کے لیول پہ نہیں ہے. جو چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں, جہاں چیزوں کو وہ سمجھ رہے ہیں, وہ ہم آپ نہیں سمجھ سکتے. اور کوئی کنفیوژن ہرگز نہیں ہے. ہمارے لیڈر میاں نواز شریف ہیں, پارٹی کے صدر میاں شہباز شریف ہیں. اور یہ بہت لوگوں کا شوق ہے, اور آج سے نہیں ہے, بہت سالوں سے ہے کہ تفریق پیدا کی جائے, کوئی ڈیوائیڈ پیدا کیا جائے, جو ہے وہ دونوں بھائی اختلاف ہے, ایسا قطن بھی کچھ نہیں ہے. اور ہم بڑی کلیئرٹی, اختلاف نہیں اسٹریٹجی مختلف ہے. نہیں دیکھیے, وہ ہر ایک ہی ہو سکتی ہے, اختلاف رائے بہت فرق ہے. نہیں, ابھی میں ایک مثال دے رہا تھا کہ وہ میں مثال آپ کو بھی دیتا ہوں. جب پورے ملک میں مجھے کیوں نکالا کہ نیریٹو چل رہا تھا, تو ترجمان پنجاب حکومت جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی ترجمانی کیا کرتے تھے, وہ کبھی مجھے کیوں نکالا کہ نیریٹو پہ نہیں تھے. بڑا فرق تھا. نہیں دیکھیے, وہ ان کی مرضی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارا وہ, میں کسی پرسنل اسپیسیفک بات نہیں کرنا چاہتی. ہمارا پارٹی کا سلوگن کیا تھا اس الیکشن کے اندر, ووٹ کو عزت دو اور خدمت کو ووٹ دو. تو یہ ہمارا نیریٹو ہے. ہم نے خدمت کی ہے 10 سال اس پنجاب کے اندر, اور آج بیڑا غرق جو پنجاب کا کر دیا, یہ کوڑا اٹھانے کے قابل نہیں ہے. نیا پاکستان کوڑا اٹھانے کے قابل نہیں ہے. ایک اینٹ انہوں نے نہیں لگائی اس
पंजाब के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने, उल्टा जो है बिजली और गैस, और आज खुशखबरी मिल गई है, असद उमर साहब ने कह दिया बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। सो ये है इनकी कारकर्दगी, हमने 10 साल डिलीवर किया है और पंजाब की एक एक ईंट खुद लगाई है, इसलिए हमें फख्र है अपनी उसके ऊपर। और वोट को इज्जत दो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो दिनों में हल होने वाला नहीं है, और ये हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। सो ये वोट को इज्जत दो की कैंपेन चलती रहेगी और देखेंगे जब तक हमारी जिंदगी में वोट को इज्जत दो होता है या नहीं होता, लेकिन चलती रहेगी कैंपेन। बुज़दार सरकार से आप खुश नहीं है? खुश बुज़दार सरकार है, आपको कहीं नजर आती है? मतलब कमाल है, बुज़दार से उसके बड़े खुश नहीं है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। इमरान खान साहब तो कोट कर करके कहते हैं उनको, कोट करते हैं कि भाई ये अब पिछले एक हफ्ते में 3 दफा बुला के झाड़ पड़ी है उन्हें, तो वो उनसे खुद उनके निखार के लिए इन स्विंग नहीं हो पा रही थी, पिच के साथ मैच नहीं कर रही थी बॉल, इन स्विंग के लिए वो आप देखें, अच्छा बड़ा आदमी बनाने के लिए आपको निखारना पड़ता है। स्विंग की बात करें, वो अपने खिलाफ बॉलिंग कर रहे हैं, मुझे आप पूछ रहे हैं कि वो इन स्विंग कैसे करेंगे, जिसको अपने खिलाफ ही बॉलिंग कर रहा है उसने मेरे खिलाफ इन स्विंग क्या करनी है। और उनकी हालत यह है बुज़दार साहब की, आज तक उनकी जरूरत नहीं हुई है पंजाब असेंबली में एंटर होने की, वो हाउस में आए तो सही, फिर उनको पूछेंगे कि वो करते हैं। आखिरी सवाल ये कि आप ग्राउंड रूट लेवल से पॉलिटिक्स करती हैं और कारकुनान में हमेशा रहती हैं, तो आप में दूरअंदेशी और दूर की चीज देखने की सलाहियत दूसरों की निस्बत ज्यादा है क्योंकि ग्राउंड रूट लेवल है, क्या मुस्तकबिल आप देख रही हैं मुस्लिम लीग नून का जब पार्टी इतने बहरानों में फंसी हो, गो कि आज एक रिलीफ का दिन भी है लेकिन बहुत सारे अभी आपको सियासी लड़ाइयाँ कानूनी लड़ाइयाँ अभी लड़नी है, तो क्या मुस्तकबिल क्या देखती है? कौन सी नई लड़ाई लड़नी है हमें? ये लड़ाइयाँ बहुत सारे सालों से लड़े हैं हम, ये लड़ाई 99 में भी हुई थी। नहीं मैडम, उसमें तो डील करके बाहर चले गए थे, लड़ाई तो प्रॉपर लड़ी नहीं थी। नहीं, डील वाली बात नहीं है ये, जब डिक्टेटर होता ना भाई, रफीक साहब बेसमेंट में जाके मुझे गुजारिश, वो गुब्बारे हवा में छोड़ा करते थे, याद होगा आपको। रैपिड फायर क्वेश्चन जी प्लीज, सवाल किया है मुझे जवाब देने का मौका दीजिए, घंटा बोलिए प्लीज। नहीं घंटा मुझे नहीं बोलना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि ये जो ये पॉलिटिकल पार्टीज की ये जो स्ट्रगल है पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली आज से नहीं है, इस मुल्क के अंदर सियासी कुव्वतें और सियासी जमातें और सियासी लीडरशिप, इनको हमेशा ट्रायल देना पड़ा है। वो आप शुरू कर लीजिए बेशक लियाकत अली खान से, इवन कायदे आजम से, कायदे आजम की एम्बुलेंस को भी बाय द वे तेल नहीं मिला था, और ये होता रहा है हमेशा कि सियासी जमातों को मजबूत ना होने दो, लीडरशिप को इतना कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश करो और इतना वो करो कि जो है वो अपने चेहरे अच्छे लगने लगे, और सियासी लीडरशिप जो है वो बहुत उसका चेहरा गंदा लगे। So, ये होता रहा है आज से नहीं है, लेकिन ये एक उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि सियासी जमातें और पॉलिटिकल जो कुव्वतें हैं उन्होंने हमेशा डिक्टेटरशिप इस मुल्क में ज्यादा रही है भाई पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, और हमेशा स्ट्रगल की यही वर्कर्स हैं सारे, जो जेलों में भी जाते हैं, जो मारे भी खाते हैं, जो सड़कों में भी डंडे खाते हैं, मुझ समेत कई दफा जेलों में भी जाने का इत्तफाक हुआ। और लेकिन ये कैंपेन अफसोस की बात यह है कि ख़त्म नहीं हो पा रही, और अभी भी जैसे मैंने कहा कि वोट को इज्जत भी दिलानी है, सिविलियन जो बालादस्ती है उसकी जंग भी अभी चल रही है, वो भी चलेगी, लेकिन जब इमरान खान जैसे लोग जो हैं जिनको किसी भी हालत में वज़ीर आज़म बनना हो और वो किसी भी हालत में किसी भी तरह मैनेज करके इलेक्शन जो है वज़ीर आज़म बन जाएँ, तो फिर ज़ाहिर है सवाल हम सियासतदानों पर आता है, हम में से सियासतदान होते हैं वो मसले का शिकार होते हैं और वो पिछले दरवाज़ों से गवर्नमेंट में आने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए सियासतदान जो है वो बदनाम भी होते हैं। अच्छा, आप शायद एग्री करें मेरी बात से कि ये फिलॉसफी जो है कि दोनों सेम पेज पे नहीं होते, दोनों का नैरेटिव मुख्तलिफ है, अब तो ये दम इस वजह से भी तोड़ गई कि ये कंसीडर इकट्ठे हो रहे हैं, ट्रीट इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये बात ठीक है मेरी? नहीं मैं नहीं समझती, पहले भी कोई डिवाइड नहीं है, मैंने जैसे कहा कि कतई तौर पर देखिए दो नैरेटिव्स हैं, एक हमारा लीडर है जो पार्टी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब मियां नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को एक आंख से देखा जा रहा है, पहले भी एक ही आंख से देखा जाता है, ये आप लोगों का शौक है, कुछ लोगों की ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लड़ाई हो गई, इख्तलाफात हो गए, दो घर हैं, ऐसा कतन नहीं है। शहबाज शरीफ का भी उनसे पूछ लीजिए, उनके लीडर भी मियां नवाज शरीफ हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को एक आंख से देखते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इदारों की सियासत में मुदाखलत है, आप मेरे नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि इदारों की सियासत में मुदाखलत है, और इसका फैसला मेरा ख्याल आप लोगों को पहले करना चाहिए कि आप कितने मजबूत हैं, आप कितने ताकतवर हैं, आपको कितनी आजादी है इस वक्त, आप मेरी आवाज क्या, आपने तो आईन में मुझे क्वेश्चन करने की इजाजत ही नहीं दी कि मैं किसी जर्नल से या
से क्वेश्चन करूं, आपने आईन में क्यों नहीं गुंजाइश छोड़ी, आपने क्यों नहीं अमेंड करके हमें दिया कि हम आजादी राय के साथ खड़े हों और बात कर सकें बोल्डली और से भी पूछ सकें, आपने आईन बना के हमें देना था। नहीं देखिए, आईन तो मुशरफ के दौर में भी मुशरफ ने भी यही हब किया था ना, लेकिन उसके खिलाफ फिर खड़े हुए ना, जुरत की थी तो जुरत का मुजहरा भाई हर दौर में करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। मलिक वही साहब जी हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, क्या आपके जज्बात हैं आज के दिन के हवाले से, और ये जो आरजी रिलीफ है क्या समझते हैं, ये कोई हवा का झोंका साबित हो सकेगा नून लीग के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो चूंकि सारा मीडिया गवाह है कि मियां साहब की जो तबीयत नासाज थी और इलाज मुआलजे में जो दुश्वारियाँ पेश आ रही थी तो वो अदालतें भी देख रही थी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे कायद के लिए जो रिलीफ मिला है और आज जमानत जो है वो मंजूर हुई है, इंशाल्लाह ताला ये पहला कदम है, आगे आगे देखें होता तो है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल के हवाले से क्या फोर्सी करते हैं, ये मुश्किल कब तक चलती रहेंगी, पोलिटिकल वर्कर के तौर पर आपका क्या विजन है? देखिए, हमने पहले भी अपोजिशन देखी है, अब भी अपोजिशन में है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले तो डील करके बाहर चले गए थे, पहले तो उस लेवल के मामला थे नहीं, आप चले गए थे यहाँ से। देखिए, जो डील वाली बातें होती हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ये बातें डील की कर रहे हैं, तो अब चूंकि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो वहाँ से ट्रेन मार्च के जरिए निकले हैं, ये हमें ना तो NRO मिला है ना डील हुई है कोई किसी किस्म की, ये तो तबीयत के लिए अपना जो है वो रिलीफ दिया है छोटा सा 6 हफ्तों का, तो हम ये समझते हैं कि इसमें ना तो किसी किस्म की डील होगी अब, और इंशाल्लाह हम साबित कदम हैं अपने कार्य के साथ खड़े हैं। मलिक साहब, थोड़ी देर हमें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, वो ये कि आप देखें कि इतना बड़ा लीडर 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म जेल में इधर मौजूद थे, लाहौर में पत्ता तक नहीं टूटता था, और तहरीकें चलाना, बड़ी तरीके से लोगों का बाहर निकलना, हजूम बन जाना, ये लाहौर के बस की बात कहाँ है? देखिए, मैं बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, इंशाल्लाह मैं वर्करों को कॉल जो है वो यकदम फैसला जो 3 बजे के बाद आया, और ने अपना फैसला सुनाना होता तो 13 जुलाई को सुनाता, नहीं, नहीं, और एयरपोर्ट आप सारे जाते, लाहौर जब फैसला सुनाता, आप इस चीज के गवाह हैं, तो फिर समंदर मंडराता है अल्लाह के फजलो करम से, फिर आवाम जो है ना वो यहाँ से चलते हैं तो फिर अभी किले तक पहुँचते हैं तो फिर फैसले जो है ना वो आ जाते हैं, इस तरह की बात कोई नहीं है। पीछे क्या कहानी थी आपको पता है? इस तरह की बात नहीं है, हम बिल्कुल पुरअमन रहेंगे, ये जो तब्दीली है, जनरल क्यानी को दुआएं दें आप, बात सुने, ये जो तब्दीली है ये बदबूदार तब्दीली, अभी आपने मुझे बदबू दिखाई है, ये बदबू पूरा लाहौर बदबू में इस वक्त जो है वो मुंसलिक हो चुका है, क्योंकि उसने बदबूदार बंदे इकट्ठे किए और पूरे पाकिस्तान में उसकी जो स्मेल जो है वो अवाम नहीं, तो हम अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं ना, आप मुझे क्यों मेरा मजा खराब कर रहे हैं, आए मेरे साथ दिखाते हैं, वो देखें जी ये आप थोड़ा सा आगे जाएं, तो आपको ये देखें कचरा ही कचरा नजर आएगा, ये तब्दीली, ये तब्दीली है, ये देखें जरा, क्योंकि राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सवाल ये सुर से आला आप देख रहे हैं, ये मुझे आप क्यों बता रहे हैं, पूरे व्यूअर्स को बताएं ना, बात ये है कि हम तो कहते थे कि ये बर्तन खाली है और ये तब्दीली के नारे महाज नारे रहेंगे, ये नलायकों की टीम है, और बिल्कुल एक मुझे बात बताएं, आप मीडिया के अपना जो है वो काम करने वाले हैं, अभी एंकर के तौर पर आप हम आपके पास जाते हैं, आप देखते हैं, अगर आपको कहा जाए कि आप टेलर मास्टर की दुकान पर बैठकर सूट सीना शुरू कर दें, मेरे हिसाब से आप सूट नहीं सी पाएंगे, तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि जिसका काम उसी को साजे, पूरे पाकिस्तान का इस वक्त बेड़ा गर्क कर दिया गया है, आज हर गरीब आदमी पिस रहा है, महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, आप गुजार सरकार से कुछ नहीं लग रहे मुझे, मैं कह रहा हूं उसको तो तवीज डाले गए हैं मेरे हिसाब से, वो पीरनी साहबा ने उन्हें तवीज डाले हैं सुस्त रहने के, बिल्कुल वो अपनी परफॉर्मेंस जो रिटायरमेंट के बाद जो वसीम अकरम दे रहा है कि नजर नहीं आता, इसी तरह उस्मान बुज़दार भी नजर नहीं आता, क्या करें वो 27 वजारतें अपने पास रख ले शहबाज शरीफ साहब की तरह, क्या करें वो? नहीं, मेरी बात सुने, क्या करें बताएं, मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ ये दोबारा भी पैदा होके आ जाए तो शहबाज शरीफ जैसा लीडर पैदा नहीं कर सकते, शहबाज शरीफ वो लीडर है जो दूसरे जो मुल्क हैं वो भी चाहते हैं कि इस तरह का वज़ीर-ए-आला हमें भी मिले, तो अल्लाह के फजल करम से
24 घंटों में 18 घंटे आपको वजीर आला नजर आता थे आता था, और इंशाल्लाह अब भी वही अल्लाह के फजल करम से टीम पाकिस्तान की भाग दौड़ को संभालेगी। यही चिराग जलेंगे, यही 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 चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी इंशाल्लाह। अगर हमने पाकिस्तान को पहले भी एटमी कोर पाकिस्तान बनाया, सी पैक लेके आए, यही सजा है, हम ये सजा भुगतेंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि ये पार्टी जो है ना, मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनल इमेज भी पीटीआई का लोग कहते हैं बड़ा बेहतर हुआ इंडिया वाले मसले में, पता नहीं आप उससे एग्री करते नहीं करते। मैं कहता हूं और इतनी जल्दी आप इतनी, कैसे कैसे इतनी जल्दी नॉकआउट करेंगे जब खुद आप अभी मुकदमा लड़ रहे हैं। इतनी जल्दी मोटरसाइकिल थाने से नहीं कोई छुड़ा सकता जितनी जल्दी इन्होंने पायलट को छोड़ दिया। इतनी शर्म की बात है कि हम अपने कर्नल हबीब को ले लेते उनकी जगह, हम वहां पर जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर अंदर थे उनके बदले वो ले लेते, लेकिन हमने अपने पांव की जमीन को फौरी छोड़ा और हमने पायलट को लेकर उसके गले में हाथ डालकर वहां पर बचाया और वो यहां से पकड़कर उसको वापस ले गए। इज्जत आबरू के साथ वापस नहीं ले गए, हमने इज्जत आबरू के साथ जो हम पर हमला करने आया था, हम पर वो बम बरसाने आया था, हमने प्लेट में उसको रख के इंडिया को पेश कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ ये ज्यादती वाली बात है, ये भी गेम को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, अभी आगे आगे देखे होता है क्या। बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मियाँ साहब की जमानत के हवाले से क्या आपका टेक है, और आज काफ़ी नून लीग वाले खुश हैं और वो काफ़ी इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नून लीग को कोई एक स्टांस लेना चाहिए कि अदालतें काम ठीक कर रही हैं या नहीं कर रही, रूल ऑफ लॉ है या नहीं, गवर्नमेंट जो है कोई इंसाफ को या आप कह रहे नैब की परफॉर्मेंस को या दूसरे जो आप कह रहे पाकिस्तान के फाइनेंस रिलेटेड अदारे हैं या लॉ इन्फोर्समेंट अदारे हैं, उनको गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो उसके अंडर हैं या नहीं है, अदालतें गवर्नमेंट के अंडर हैं या नहीं है, मतलब इस बात का गवर्नमेंट नून लीग तय कर ले। ये कुछ 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोई 1 महीने बाद 15 दिन बाद हर फैसले पर हर तारीख पर ये अपना स्टांस बदल लेते हैं। सो जितने यू टर्न अदालतों के मामले में अपने फैसलों के हवाले से, बीमारी के हवाले से ये लेते हैं, इसकी कोई मैं समझता शायद तारीख में मिसाल नहीं मिलती, तारीख के शायद सबसे ज़्यादा झूठे लोग हैं ये। और दूसरी बात, जो मियाँ साहब को आप कह रहे हैं मिली है, उनको जमानत मिली है, वो कहा गया है कि शायद उनको जहनी दबाव है। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो यहाँ मतलब कोई जितने भी काबिल इज्जत लायर हैं उनमें से कुछ लोगों को या किसी एक आदमी को, जितने लोग अदालतों में इस वक्त जेलों में हैं वो सारे यकीनन जहनी दबाव का शिकार हैं, जिनको सजा हो चुकी है वो स्पेशली खसूसी तौर पर, उनके हवाले से एक पिटीशन देनी चाहिए अदालत में कि जी आप इन लोग ये लोग भी जहनी दबाव का शिकार हैं, इनको भी छोटी छोटी आप कहने को दर्दें शर्दें कहीं ना कहीं होती हैं, ये किसी का आप कहने के छोटा मोटा कोई टेस्ट जो है आउट हो रहा है अपनी स्पेसिफिकेशन से, लिहाजा इनको भी जमानत दे दें और 6-6 हफ्ते की जमानत दे दें, उसके बाद दोबारा कोई मांगे तो फिर दे दें। मतलब एक बंदे को 7 साल सजा हुई है, मुजरम है वो, एक कानून का मुजरम है, क्या पिछले 71 साल तारीख में इस मुल्क में कभी ऐसा हुआ है? अगर कभी नहीं हुआ तो आज क्यों हुआ है? सो ये एक सवाल बनता है। खोकर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपके आज जज्बात हैं जो आरजी रिलीफ मिला है 6 हफ्तों का जमानत और तिबी बुनियादों पर जमानत की वजह से? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह की इजाद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे कैद को एक इलाज करवाने का मौका मिला। हम अदालतों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, आज तक अदालतों का एहतराम किया, कोई भी फैसला है चाहे हमारे खिलाफ आया चाहे हक में आया, लेकिन आज हमें बहुत खुशी है हमारे कैद को जो आज रहाई मिली अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो वर्कर हैं ये यकजहती का इजहार करते हुए पुरसकून मियाँ साहब के साथ फार्म पे जाएंगे। नहीं, वो मुझे क्यों निकाला कि कंपेन में अदालतों का एहतराम तो नहीं था? आपको याद होगा जीटी रोड पे जब जा रहे थे अदालतों का एहतराम किया। बहुत शुक्रिया। जेल के बाहर कारकुनान की तादाद आप देख रहे हैं और यहाँ साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया गया और यहाँ की जो आवाज है म्यूजिक की, हो सकता है जेल के अंदर तक जारी हो। ये यहाँ की सरकार। क्या नाम है आपका? अयूब भुट्टा।
अयूब। और कहाँ से आए आप? जल्लो मोड़ के। क्या जज्बात है? सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं करोड़ों मरतबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है। मैं कारकुन हूँ, मैं पहले हथकड़ियाँ पहनता था, जंजीरें पहनता था, फिल्टर दूध पीता था। आज मैं सब कुछ छोड़ दिया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सुरगुरु हो गए, शहबाज शरीफ सुरगुरु हो गए। हमारी आरजी जमानत मिली 6 हफ्तों की, 6 हफ्तों की नहीं 6 साल की कह सकते हो। वो कैसे हमारे दिलों पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ राज करता है, शहबाज शरीफ कोर्ट का ऑर्डर है 6 हफ्ते बाद सरेंडर करें। हम कोर्ट इंशाल्लाह हमारी दुआएं अल्लाह की रहमत को पक्कियां होंगी। इज्जत दिला उसके हाथ में अल्लाह ताला ने उसको देगा, इमरान खान अल्लाह ताला ने कबूल ही कर दिया। हमारी दुआएं अल्लाह ताला आज कंटेनर वालों की ये हार हो चुकी है और हम अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये एक बहुत अच्छा फैसला दिया। मुल्क के वजीर आजम नवाज शरीफ थे और रहेंगे, वो 22 करोड़ अवाम के वजीर आजम हैं और वो रहेंगे। आज भाईजान इमरान खान साहब वजीर आजम है, वो इमरान खान अवाम इमरान ने और नवाज शरीफ लोगों के दिलों में होते हैं, जो दिलों में बसता है नवाज शरीफ हमारे दिलों में बसते हैं। मियां साहब की मोहब्बत को हमारे दिलों से कोई नहीं निकाल सकता। वजीर आजम एक मेट्रो जैसा मंसूबा, जिन्हों को मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 90 अरब में 3 मेट्रो दी, आज वो 1 मेट्रो 100 अरब में नहीं बना सके। ये उनकी नाहली और उनकी औकात है कंटेनर की, वो सिर्फ कंटेनर में बैठ के बातें कर सकते हैं। बिजली के बिल चलाने वाले आज अगर हम बिजली के बिल चलाने की बात करें तो ये हमारे मुल्क के साथ गद्दारी होगी। कई इमारत के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, सैकड़ों लोगों का इधर पर्चा किया गया है, मेरा भी पर्चा किया और इमरान खान रोकने की काविश क्यों की गई? आप खड़े क्यों हुए आगे? किसी ने नहीं रोका, बर्कर आगे खड़े हो गए थे। नवाज शरीफ जिंदाबाद करता रहा पादो सबको ड्राइवर दे पादो। ये सरासर हुकूमत का प्रोपेगंडा है। यहाँ पे मॉडल टाउन जैसी तहरीक दोहराने की हुकूमत ने कोशिश की लेकिन उसमें वो नाकाम रही है। हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन रहेंगे। नहीं, आपने साबित आपने बता दिया कि मॉडल टाउन सिर्फ आप लोग ही दुरा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। प्रॉपर गंडा था, वो भी प्रॉपर गंडा था। ये इमरान खान ने पीटीवी का हमला किया, नवाज शरीफ हुकूमत ने, शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक कारकुन पर उनके पर्चा नहीं किया, इन्होंने सैकड़ों लोगों पर खर्चा मेरे तो कर दिया। मैंने हमले किए, पीटीआई ने आपके मीडिया पर हमले किए, किसने किए? नून लीग ने किए। ये पीटीआई इस दिन धरना देने वालों को आज एक दिन का धरना भारी पड़ रहा है, आज उनको ये धरने फजूल लग रहे हैं। नवाज शरीफ की मोहब्बत में कहना बार ये हमारी दुआएं थी कि मियां साहब को बेल हो गई, वैसे तो किसी से उम्मीद कोई नहीं थी। इंशाल्लाह जैसे मियां साहब अब आए हैं हमारी दुआओं से इंशाल्लाह पक्के पक्के बाहर आएंगे। क्या कह रहे हैं? शुक्र अदा करते हैं जी। आज हम इंशाअल्लाह बहुत खुश हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत हो चुकी है। आज मैं लोगों को कहता हूँ कि आज पाकिस्तान पूरा बाहर निकले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए। पूरा पाकिस्तान बाहर निकले, इंशाअल्लाह ताला निकलेगा और निकला है। पूरा लाहौर तो निकला है बाहर, पूरा लाहौर बाहर निकला है और कराची में भी जश्न हो रहा है, कराची सिंध में भी जश्न हो रहा है, लाहौर में भी जश्न हो रहा है। और शहर में फिर भी वजीर आजम आएंगे, हम अल्लाह ताला के सबसे बड़ी जात अल्लाह ताला की शुक्र गुजार। आपके ख्याल में इधर कितनी तादाद होगी? बहुत तादाद है, अभी तो उधर जाके देखे, पर उधर से भी मैं हो के आया हूँ, हम भी उधर से ही आए हैं, हजारों तादाद है। देखो इंशाअल्लाह ताला मियां क्या हाल है जाओ, क्या जज्बात है आपके? अल्लाह के हुक्म, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, पाकिस्तान का सही लीडर बाहर आया है, बाकी तो सिलेक्टेड है, उससे उसने जान छुड़ानी है, हमने नहीं उसे उतारना, अल्लाह के हुक्म से उसे खुद छोड़ के भागना इस मुल्क। मियां नवाज शरीफ पूरी कौम जो मियां नवाज शरीफ के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी शुक्र है जी, अब क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे पार्टी को? आप समझते हैं कि आरजी रिलीफ से कुछ बेहतरी आएगी? सबसे पहले मियां साहब का इलाज होगा इंशाल्लाह, इलाज उसके बाद उनकी सेहत बेहतर होगी अल्लाह के हुक्म से, उसके बाद जो है। मैडम आप क्या कहेंगी? हम तमाम लोग जो पीएमएनएन के वर्कर्स हैं, हम लोग मियां साहब की मोहब्बत में निकले हैं और हमारी मेहनत रहा।
जायगा नहीं गई, ना दिन देखा ना रात देखी। और मियां साहब तीन दफा मुंतखब वजीर आजम है, कोई सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं थे, इलेक्ट हो गए। तो इस वक्त लाखों बंदे होना चाहिए था, बंदे तो बहुत कम है, लेकिन पार्टी की कॉल नहीं है ना, कॉल नहीं है। इधर देखो, उस दूसरी साइड में सारा देखो, सारा वहां उस दूसरे गेट में जाइए। मार्च वाले दिन ये जज्बे से, अपने जज्बे से वर्कर आया, हर वर्कर अपने जो बच्चा जो बहन है जो माँ है वो अपने मियां साहब की मोहब्बत से हम सारे इकट्ठे होते हैं। 23 मार्च को भी है, आगे पीछे भी होते हैं, मुंतजिर नहीं है 23 मार्च को भी पार्टी की। तो हर ट्रैफिक रुकी होगी, चारों पास दुनिया दुनिया नजर आएगी। जब मियां नवाज शरीफ साहब कॉल करेंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब कॉल करेंगे, तो दुनिया ही दुनिया नजर आएगी सड़कों पे। ये बड़ी बात कहेंगे, मेरी बात सुने। कोई जरूरी नहीं है की बहुत सारा लाखों का मजमा हो, दुआ एक की भी लग जाती है। और वो कायद किसी की लोगों का मुख्ताज नहीं है, वो पूरी 22 करोड़ अवाम का वजीर आजम है। इमरान खान है, इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आजम, इलेक्ट हो गया है वोटों से है नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ ने आप तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। मेरी बात सुने, आने वाला वक्त बताएगा। 2018 का इलेक्शन उन्होंने नहीं लड़ा नाइली की वजह से, कोई बात नहीं, आगे लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, आगे लड़ेंगे हम, लड़के दिखाएंगे अल्लाह को। मरियम नवाज आ जाएंगी आगे, हमजा साहब आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा। पीएमएल नून खत्म नहीं हुई, बताना जा तो ये नियाजी को, इमरान नियाजी को देखो, मियां नवाज शरीफ बाहर आ गया है, ये नियाजी को डोंकी राजा की सरकार नहीं चलने देंगे हम। इमरान खान को लेके आया यहाँ 2002 में मुस्लिम लीग के पास सिर्फ 12 सीटें थी MNA की, मियां नवाज शरीफ को 10 साल के लिए नाहल कर दिया। अभी मुस्लिम लीग नून के पास 84 सीटें हैं MNA की। मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, ये जो आज रिलीफ मिला है मियां नवाज तो डील करके बाहर चले गए थे। नहीं, मियां साहब ने इस वक्त डील नहीं की, इन्होंने जबरदस्ती भेजा था, जिस तरह अभी ये कह रहे हैं हम आपको NRO देते हैं, आप बाहर चले जाओ, बाहर जाके इलाज कराओ। मियां साहब ने कहा मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अभी मैं इधर ही रहूंगा। आप मुझे बताएं एक बात, आप मुझे एक बात बताएं, 6 हफ्ते के लिए मियां साहब को रिलीफ दिया, वो परवेज मुशरफ की कमर में पेन है, उसको इन्होंने बाहर भेज दिया। वो आपकी हुकूमत ने भेजा था? हमारी हुकूमत ने नहीं भेजा। साडा एको जा बब्बर शेर नु आजरी में अपनी बेटी ने अपनी बेटी को साथ लेकर वो लखपत डीएलआर जेल में उसने काटा, उसको पता था उसकी सच्चाई, फिर भी आया बेटी सलाखों में लेके आया, बहादुर बाप की बेटी को वजीर आजम बेटी के पास कौन सा होता था। और लाहौर में कोई भी उनको एयरपोर्ट रिसीव करने नहीं गया, सारे निकले हैं, सारे गए, लाखों की तादाद में बचा था, पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे, लाखों की तादाद में बचा था। वो अलग बात है, हमारा मीडिया कुछ चीजें नहीं दिखाता, सारे गए हैं एयरपोर्ट पे, अभी भी वो वीडियो है, लाखों की तादाद में बचा था, एयरपोर्ट तक गए थे, एयरपोर्ट इतनी ट्रैफिक थी कि हम आगे नहीं पहुंच सके। मैं एक रक्षा ड्राइवर हूँ, मैं नवाज शरीफ के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। मीडिया का भी पता, लाखों नवाज शरीफ 22 करोड़ अवाम का वजीर आजम है और वोट बैंक उसका बहुत ज्यादा है। आज मियां साहब को इमरान नियाजी को लाने वाला कोई और है, इमरान खान वोटों से नहीं है। मैडम आज खुशी का दिन है, बल्कि ईद का दिन है, हमारे हम सबकी जो मेहनत है वो रंग ले आई है। नवाज शरीफ साहब बाहर आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसी तरह खुशियां मनाते रहेंगे और सबको बताएंगे। 6 हफ्तों का रिलीफ है, आगे 6 हफ्ते बाद कोर्ट ने कहा है आपको सरेंडर करना होगा, जरूर आगे और हो जाएगी बेल उनकी, यहीं पे हैं हम लोग, हम कोर्ट के एहतराम करेंगे और उनकी बेल और आगे। नवाज शरीफ के लिए ऐसे यही जज बरी भी करेंगे, अल्लाह को हुक्म दे यही जज बरी करेंगे। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह के हुक्म दे, मियां शहबाज शरीफ को ऐसे नाम निकाल ये बेल निकाल, यही जज मियां नवाज शरीफ को बरी करेंगे। एक दफा सबूत तो दे दें आप लोग, अगर आप नवाज शरीफ चोर है तो सबूत तो दें हमें, सबूतों के तौर पे आप बात क्या करें। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप देख सकते हैं जेल के बाहर कारकुनान और यहाँ पार्टी के जो नगमे हैं वो भी चलाए जा रहे हैं, साउंड सिस्टम इंस्टॉल है। और इसमें क्या ये 6 हफ्तों का रिलीफ जो है वो नून लीग के लिए जो है वो माइलस्टोन साबित होगा, पार्टी को रिलीफ मिलेगा, नई रमक मिलेगी, या फिर हालात वही होंगे
इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। फाहद शहबाज खान को इजाजत दीजिए, हालांकि बाद